पहुंचे और आप उस पर उसको फॉलो करें। जैसे कि आप जानते हैं कि अब्दुल पाकिर जैन और आबिद अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम के एक मुसलमान फैमिली में हुआ था। उनके पिता का नाम जैनुल आबिदीन था। उनके पिताजी एक नाविक थे। बड़े परिवार के होने के कारण उनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि उनको अपने अपने पिताजी को सपोर्ट करने के लिए एक अखबार बेचने का भी कार्य करना पड़ा। लेकिन मेरे दोस्तों, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इनकी जीवनी से आपको ये शिक्षा मिल रही होगी कि विषम परिस्थितियों में परिस्थितियाँ अगर आपके अनुकूल न हो, अनुकूल होने के बाद भी अगर किसी व्यक्ति का विचार, उसके संकल्प और इसके इरादे में अगर कोई भी इफेक्ट नहीं आता है, तो ऐसे महान व्यक्ति को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि इंसान के जीवन में, डॉक्टर साहब का संदेश है कि इंसान के जीवन में मुश्किलों की जरूरत है, क्योंकि मुश्किलें कुछ पद तो हमें परेशान करती हैं, लेकिन सफलता का सुख अगर प्राप्त कराती हैं तो यही मुश्किलें कराती हैं। मैं आपको डॉक्टर साहब का ये भी संदेश सुनाना चाहता हूँ कि जब बारिश आती है तो सभी पक्षी एक दूसरे के लिए और अपने लिए आश्रय की तलाश करती हैं। मेरे दोस्तों, आपको पता है कि उन पंछियों में एक ऐसा पंछी होता है जिसको हम ईगल या बाज के नाम से जानते हैं। वो बारिश को अवॉइड करके और बादलों के ऊपर उड़ने का कार्य करता है। इससे संदेश कॉमन समस्याएं आपके पास हो तो आपका जो एक्टिविटी होगा उसमें डिफेंस पैदा करेगा। साथ ही साथ डॉक्टर साहब की बताए हुए एक संदेश को आपको पहुंचाना चाहता हूं कि मेरे दोस्तों, डॉक्टर साहब ने कहा, पुस्तक और दोस्त की विशेषता को बताते हुए जीवन में बताया कि एक पुस्तक 100 अच्छे मित्रों के बराबर होता है, एक अच्छी पुस्तक 100 मित्रों के बराबर होता है। और मेरे दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि एक अच्छा मित्र एक पुस्तकालय के बराबर होता है। बातों में केवल हिंदुस्तान दिखता है।